हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आउटलिव लाइक प्रियंका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं लॉयल के दो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। एंड एक्चुअली ये प्रोडक्ट एक ही है, उसके दो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई न्यू वीडियोज़। ओके गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जो प्रोडक्ट हैं ये हैं लॉरियल पेरिस के सनस्क्रीन्स। एंड मैंने इसमें दो वेरिएंट परचेज़ किए हैं और लॉरियल पेरिस ने इसमें चार वेरिएंट लॉन्च किए हैं। एक है विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड वन मोर वेरिएंट, और जबकि मैंने इसमें से दो ये परचेज़ किए हैं, वन इज़ मैट एंड फ्रेश एंड अनदर इज़ करेक्टेड प्रोडक्ट विथ विटामिन सी। ओके, तो ये दोनों में से आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी पैकेजिंग जो है इसको मैंने ओपन किया है एंड ये मुझे कल डिलीवर हुआ है, तो इसको अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप की प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है एंड जिसको मैंने अभी पैकेट को ओपन किया है, और अंदर इसके जो ये प्रोडक्ट है, दिस इज द बॉटल ऑफ द सनस्क्रीन एंड इसकी जो प्रिंट प्राइस रखी है लॉरियल पेरिस ने वो है, एमआरपी जो है इसकी 699 रुपीज़ है। एंड मैंने इसको परचेज़ किया है, एक मैंने परचेज़ किया है नायका से और दूसरा जो है मैट एंड फ्रेश जो है इसको मैंने परचेज़ किया है मिंत्रा से। ओके, तो 699 प्रिंट प्राइस है। शेल्फ लाइफ इसकी जो है ये 3 ईयर्स है। एंड जो मैंने इसको परचेज़ किया है, मैंने 699 में नहीं परचेज़ किया है, मैंने इसको परचेज़ किया है, एक को परचेज़ किया है जो विटामिन सी के साथ है, उसको परचेज़ किया है मैंने 549 में फ्रॉम नायका, एंड इसको मैंने परचेज़ किया है 503 रुपीज़ का फ्रॉम मिंत्रा। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना मार्जिन, इतना डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पे आ सकता है। ओके, तो चलिए इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं कि ये साइड भी ऐसा कुछ एज सच मैट नहीं है, एंड ये साइड तो मान लीजिए कि लगाने के बाद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अप्लाई भी कर दिया था, और ये साइड जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लाइक थोड़ा सा ऑयलीनेस लग रहा है इधर के साइड में देखने में। ठीक है, तो ओवरऑल तो मुझे इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा, बट अगर ऑयली स्किन है आपकी तो आपको इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद इसको मैटिफाई करना होगा, लाइक आप कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करके इसको मैटिफाई कर सकते हैं। बट ओवरऑल ग्लो वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वाइट कास्ट नहीं है। सो गाइज, मुझे ये दोनों ही सनस्क्रीन काफ़ी अच्छे लगे, एंड आप देख सकते हैं कि आफ्टर फ्यू मिनट्स भी मेरे बाद भी मेरे फेस पर कैसा ग्लो आ रहा है। और सनस्क्रीन हमारे रेगुलर रूटीन का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, इसको एकदम ही स्किप नहीं किया जा सकता। मैं रेगुलर ही अपने स्किन पर सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, चाहे मैं घर पे रहूँ या मैं बाहर जाऊँ, या समर हो या विंटर हो या रेनी सीजन हो, मैं हर सीज़न में रेगुलर ही सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। एंड क्योंकि सनस्क्रीन को अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपने स्किन पर चाहे सीरम अप्लाई कीजिए, चाहे कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता जितना एक सनस्क्रीन की लेयर आपके स्किन पर होने के बाद होता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, एंड टिल देन टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।